गोपाल नगर बाईपास रामबाबू खटाल स्थित नूनिया नदी के किनारे मंगलवार की रात लगातार बारिश के कारण नागेश्वर यादव का खटाल सहित खपरेल का घर अचानक ढह गया, जिससे घर का सारा सामान मलबे में दब गया। इस संबंध में नागेश्वर यादव ने बताया कि वे लोग 5 भाई हैं, जिनका परिवार सभी खटाल परिसर के खपरेल के घर में रहते थे। जानवरों को कुछ चोटें लगी, वहीं परिवार के लोग आवाज़ सुनकर घर से बाहर आ गए थे, इसलिए परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। वही सर हुआ हमको 6:30 बजे से 7 बजे के अंदर, 6:30 बजे से 7 बजे के अंदर ही मेरा घटना हुआ कि चला एक बार कुरकुराने लगा, देवाल क्रेक हुआ था। हम बोले भाई भागो भागो, सब भागने लगा। उसके बाद भागा तो भैंसी उसी सब देवाल गिरने पर चता गया उधर सब। हम दौड़ के रोड पर गए, रोड पर से हल्ला किए, दौड़िए दौड़िए, मेरा भैंसी सब चता गया, देवाल गिर गया। तो वहाँ से जो लोग दौड़ के आया सर, कोई नाद काटा कुछ काटा, तो ये सब भैंसी निकल गया उधर गया, किसी के सिंह टूट गया, किसी कुछ चोट लग गया, सब खोल के उधर भाई लोग ले गया है। उसके बाद इसी तरह से रात भर कैसे भगवान भगवान करके अपना काम किए, अभी जैन उठ के अमरदा के पास गिर रहे। तो बोला कि 3 प्लास्टिक ले जाओ, 3। कितना नुकसान हुआ हो सर? कितना नुकसान हुआ तो जोड़ के हमने एक एक आपका गाड़ी मैंने जो गाय हुई था उसका नुकसान मतलब कितना? 14-15 भैंसी है सर और गाय है, सब मिला के 30-32 जानवर। इससे पहले भी ऐसा घटना हुआ? नहीं जी नहीं, कभी मेरा फर्स्ट घटना हुआ। हटा जो घटना घटा, इससे कितना दहशत में है आप? दहशत मतलब कितना डर है आप लोगों? डर सर बहुत है कि डर क्या बोले, हम जो खड़ा होने की जगह हमको नहीं थी, डर की क्या बात बोलते हैं। इतना फिर दीवार और इतना गड्ढा से ऊँचा करके एक बनाने में कितना समय लगेगा, इससे भगवान नहीं जानते। अभी फिर मेरा जानवर बांधने की जगह वहाँ से यहाँ तक भैंसी बांधते थे, नहीं थी सर क्या बोले। ये जमीन आपका था? जी हाँ मेरा जमीन, हम 5 भाई हैं, 5 को नाम से जमीन है। एक बार 2 लिए, एक बार 1.5, 3.5 जमीन है सर। झूठ का है, हम बोल देंगे हम 25 या 5, 3.5 जमीन है, 2 आदमी से लिया। कौन नाम? मेरा नाम नागेश्वर यादव। बिजली की समस्या को लेकर आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सोदपुर एरिया ऑफिस का घेराव किया गया, जिसमें ex MLA उज्जवल चटर्जी मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतलपुर वार्ड नंबर 4 में पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है, जिसके विरोध में ये लोग आज सोदपुर एरिया ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। রাত 10 সময় দেওয়া হলে এখন দেওয়া হচ্ছে 10 থেকে হলে পড়াশোনা তাপমাত্রা পাই না, জায়গায় 7 সেটা 7। पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति जामुड़िया ब्लॉक की ओर से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन श्रीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में किया गया। जामुड़िया ब्लॉक के शिक्षक संगठन के प्रेसिडेंट राम प्रकाश भट्टाचार्य के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 25 शिक्षकों ने रक्तदान किया और रक्त को संग्रह कर जिला अस्पताल में जमा कराया गया। इस मौके पर जामुड़िया विधानसभा के विधायक हरे राम सिंह, आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय, जामुड़िया ब्लॉक के प्रेसिडेंट साधन राय, मनोज यादव, मुकेश झा खास तौर से उपस्थित थे। भाई मनोज सामने आज के खुद खुशी আপনারা কাজে নামে দিয়ে
কেউ যদি ব্লকের অভাবে মারা যায় না এটা ব্যবস্থা করতে আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। আমার বিধানসভাতে জমুনিয়া বিধানসভাতে খুব জরুরি আপনারা জানেন করোনা কালে কত লোক আমাদের মারা গেছে, ডাক্তার মারা গেছে, আমাদের শিক্ষক মারা গেছে, আপনারা বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়। আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি, মোর ইয়ামি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকে ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं, तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहाँ, क्योंकि नॉन वेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉन वेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना, आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना, गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। कोयलांचल व शिल्पांचल के प्रसिद्ध पत्रकार राजकुमार महतो ने मासस की सदस्यता ग्रहण की है। बताया जा रहा है कि जनसंपर्क रखने और अधिकार की लंबी लड़ाई में महारत रखने वाले राजकुमार महतो को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती है। मासस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू और मासस युवा जिला अध्यक्ष पवन महतो ने माला पहनाकर और पार्टी का झंडा देकर राजकुमार महतो को युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बनाया। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।